नमस्कार, गुड लक बैड लक में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। आपका स्वभाव चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं पूछेगा। हर जगह आपको जलालत ही झेलनी पड़ेगी। जी हाँ, ये वो काला सच है जिसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आता है कि आखिर क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पर अगर हम चले तो हमें इस सच का सामना ना करना पड़े। देखिए, यूं तो कई रास्ते हैं जिस पर अगर आप चलें तो यकीन मानिए आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी तरकीब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने अपना लिया तो सच में आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। आखिर कौन सी वो तरकीब है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। दरअसल हम आपको जिस तरकीब के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सट्टा किंग कहा जाता है। जी हाँ, सट्टा किंग ही वो तरकीब है जिसके जरिए आप चाहे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें हाथ कैसे आजमाए, तो आपको बता दें कि सट्टा किंग में बहुत सारे स्थान होते हैं जिसमें से आपको किसी एक स्थान पर कोई विशेष नंबर लगाना होता है। ये नंबर 1 से लेकर 99 तक होते हैं। मान लीजिए आप फरीदाबाद में 12 नंबर आने की संभावना जताते हैं और अगले ही दिन फरीदाबाद में यही नंबर आ जाता है, तो आपको आपके द्वारा निवेश किए गए रकम पर कुछ रकम बढ़ाकर दे दी जाती है। लेकिन अगर आपके द्वारा जताई गई संभावित संख्या वास्तविकता में तब्दील नहीं हो पाती है तो आपका पैसा पानी में भी डूब सकता है। लिहाजा अब आप समझ ही गए होंगे कि इसमें संभावनाओं के साथ साथ जोखिम भी विद्यमान है, इसलिए आप इसमें सोच समझ के हाथ आजमाइएगा। आइए अब आगे आपको आज के विनिंग नंबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर ये विनिंग नंबर होता क्या है। तो आपको बता दें कि जब किसी विशेष स्थान पर आपके द्वारा जताई गई संभावित संख्या वास्तविकता में तब्दील हो जाती है तो उसे सट्टा किंग की दुनिया में विनिंग नंबर कहा जाता है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात और, न्यूज़ रूम पोस्ट ऐसे किसी भी जोखिम और प्रतिबंधित खेलों का समर्थन नहीं करता है। इसे आप अपने रिस्क पर कहीं खेलें। तो अभी के लिए गुड लक बैड लक में इतना ही, और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।